जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एंड्रॉयड फ़ोन के कुछ सेटिंग के बारे में। तो हमारे पास ये मोबाइल है रियलमी नार्जो 30 है, तो चलिए देखते हैं। इधर सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आज हम आपको सेटिंग बताएंगे कन्वेनेंस टूल के बारे में। ये जो है कन्वेनेंस टूल, इसके बारे में सेटिंग बताएंगे, इसमें क्या क्या फ्यूचर है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले है नेविगेशन, तो नेविगेशन को देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो फ़ोन के नीचे तीन बटन होते हैं, एक बैक स्पेस, एक रिसेंट टास्क बार और एक मेनू, ये तीनों का ऑप्शन यहाँ पे है। तो हमारा जो अभी नीचे का बटन है वो नॉर्मली है, जैसे होता है सभी फ़ोन में। हम चाहे तो इसको घुमा भी सकते हैं, जो बैक का बटन है राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। अगर इस पर टिक लगाएंगे तो हमारा जो बैक का बटन है वो राइट साइड में चला गया, और ऊपर पर टिक लगाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था, मतलब बैक का बटन राइट साइड में। तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं बटन को। और सबसे ऊपर यहाँ पर दिया है स्वीप गेस्चर फ्रॉम बूथ साइड, तो उस पर हम टिक कर दिए तो हमारा नीचे का बटन है वो हाइड हो गया, छुप गया है। तो हम साइड से अगर ऐसे स्लाइड करेंगे तो बैक हो जाते हैं, तो फिर वहीं पे आ गए हम। तो हमको अगर बटन को छुपाना तो ये सेटिंग हम कर सकते हैं, स्वीप गेस्चर फ्रॉम बूथ साइड, इस पर टिक लगाएंगे तो हमारा नीचे का बटन हमें छुप गया। तो हम वो सेटिंग नहीं रखेंगे तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो वर्चुअल बटन पर क्लिक करते हैं, फिर बैक आ जाते हैं। फिर तो यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन, यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो गेस्चर एंड मोशन पे है फर्स्ट में स्क्रीन ऑफ गेस्चर, उसके बाद है स्वीप, थ्री फिंगर टेक स्क्रीनशॉट, उसके बाद है टच एंड होल्ड विथ थ्री फिंगर टेक स्क्रीनशॉट। तो फर्स्ट में देखते हैं कि इस पर क्या है, क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में है स्क्रीन ऑफ गेस्चर, और उसके बाद है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन। हमारा मोबाइल अगर लॉक है या स्क्रीन का लाइट ऑफ है तो उस पर डबल टैप करेंगे, दो बार टच करेंगे तो स्क्रीन का लाइट ऑन हो जाएगा। उसके बाद है ड्रा ओ टू ओपन कैमरा, स्क्रीन पे ओ लिखेंगे तो कैमरा ऑन होगा, और वही स्क्रीन पर वी लिखेंगे तो फ्लैश लाइट जलेगा। बाकी यहाँ पे एड गेस्चर, यहाँ पे एड भी कर सकते हैं, और बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें से कोई सिलेक्ट करके एड कर सकते हैं। फिर पीछे आते हैं, दूसरा नंबर पे थ्री फिंगर, तो तीन फिंगर को हम स्क्रीन पर नीचे की तरफ खींचेंगे तो स्क्रीन शॉट हो जाएगा, यानी स्क्रीन का फोटो बन जाएगा। फिर वही तीन फिंगर टच करके दो सेकंड रखेंगे तो इससे भी स्क्रीनशॉट होता है, लेकिन जितना हम चाहेंगे उतना ही स्क्रीनशॉट होगा, हमारे मन के मुताबिक साइज होगा। अगर थोड़ा दूर का चाहें थोड़ा दूर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीन फिंगर स्क्रीन पे टच करके दो सेकंड रखना है, उसके बाद नीचे की तरफ खींचना है, और यहाँ पे ऊपर सही पे क्लिक कर दे तो जितना हम चाहें उतना स्क्रीनशॉट हो गया है। फिर उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पे दिया है सिस्टम रिकॉर्ड सिस्टम साउंड, तो ये हमारा ऑफ है, यानी कि मोबाइल में अगर टून बज रहा है, हम इस मोबाइल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसमें टैप करते हैं, उसका आवाज़ है, नोटिफिकेशन का आवाज़ है, तो वो यहाँ पे ऑफ है, सिर्फ माइक्रोफोन का आवाज़ चालू है, रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड ये हमारा ऑन है, क्योंकि इसको ऑन रखना ज़रूरी है। स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे तो ऑन रहेगा, तभी तो हमारा आवाज़ रिकॉर्ड होगा, तो उसको रखना ज़रूरी है। और उसके बाद है पिक्चर, हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर किस रेशो में रखना है वो है, तो हम अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हमारा छुपा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे वीडियो क्वालिटी, और यहाँ पे फ्रंट कैमरा, हम स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे और इस ऑप्शन को ऑन करके रखेंगे तो हमारा स्क्रीन पर किसी साइड में कैमरा, मतलब कैमरा ओपन रहेगा, हमारा भी फ़ोटो दिखाया जाएगा ऊपर साइड में। और यहाँ पे नीचे है शो स्क्रीन टच,
मतलब इसको हम ऑन करके रखे हैं तो स्क्रीन पे अगर हम टच कर रहे हैं तो हमारा बबल शो कर रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये वही ऑप्शन है। फिर पीछे आते हैं और यार उसके बाद ये ऑप्शन है असिस्टिव बॉल, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा असिस्टिव बॉल ऑफ है, इसको हम अगर ऑन करते हैं जैसा कि हमने अभी ऑन कर दिया, तो इस बॉल पे क्लिक करेंगे तो बैक हो जाएंगे। तो यहाँ पे है क्या, टैप मेनू दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे टैप मेनू, तो इस पर टिक लगा देते हैं तो हमारा असिस्टिव बॉल में ऑप्शन आएगा इतना सारा। देखिए टैप क्लिक करते हैं, देखिए इधर बैक है, फिर स्क्रीन शॉट है, फिर रिसेंट टास्क बार है, लॉक स्क्रीन है, ये सब ऑप्शन है। तो एक बार टच करेंगे तो ऑप्शन आएगा, फिर उसमें से हमको कौन सा ऑप्शन चुनना है, स्क्रीन शॉट लेना है या रिसेंट टास्क बार या स्क्रीन लॉक करना है या बैक होना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो हम रखेंगे गेस्चर ऑपरेशन पे, इसी पर टिक लगाते हैं और जब उस पर इस मोड में रखेंगे गेस्चर ऑपरेशन में, तो यहाँ पर देखिए उसका कुछ फीचर दिया है। टैप सिंगल टैप करेंगे तो बैक हो जाएंगे, डबल टैप करेंगे तो रिसेंट टास्क बार, टच एंड होल्ड मतलब इस पर टच करके रखेंगे कुछ सेकंड तक डायरेक्ट मेन्यू में आ जाएंगे। अब देखिए कैसे आ गए, फिर हम वहीं पर आते हैं और यहाँ पे उसकी कैपेसिटी है, ज़्यादा करेंगे तो डार्क दिखेगा और कम करेंगे तो ट्रांसपेरेंट में दिख रहा है। और उसके बाद सबसे नीचे है हाइड बॉल ऑटोमेटिकली इन फुल स्क्रीन, हम फुल स्क्रीन में वीडियो देखेंगे या कोई ऐप्स या कुछ काम करते रहेंगे या फोटो एडिट करेंगे तो फुल स्क्रीन रहेगा, तो ये हमारा असिस्टिव बॉल ऑफ हो जाएगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। अगर इसको हम ऑन करके रखेंगे तो, अभी हमने ऑन कर दिया लेकिन हम इसको ऑफ ही रखते हैं, असिस्टिव बॉल को भी ऑफ कर लेते हैं। और यहाँ पे स्मार्ट साइड बार, स्मार्ट साइड बार में देखिए एक साइड में एक ऑप्शन रहता है थोड़ा सा दिखाई देगा व्हाइट के जैसा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइड में आपको इतना सारा ऑप्शन आएगा, चाहे इसमें आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं, हमने ऐड करके रखा है यूट्यूब को, व्हाट्सअप, कैलकुलेटर, फाइल मैनेजर, मैसेज, हमने सबको ऐड करके रखा है। यहाँ पे प्लस है, इस पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट साइड बार है, इसका कैपेसिटी भी हमने डिफ़ॉल्ट पर रखा है, सबसे लो पे जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट है जो आपको बिल्कुल हल्का सा दिखाई देगा, और सबसे हाई है ओपेक तो बिल्कुल डार्क दिखाई देगा आपको स्मार्ट साइड बार का लोगो। और यहाँ भी दिया ऑटो हाइड, देखिए हाइड स्मार्ट साइड बार विद इन द ऐप इज इन फुल स्क्रीन, फिर फुल स्क्रीन वीडियो वीडियो देखेंगे कुछ काम करेंगे फुल स्क्रीन में तो हमारा ये स्मार्ट साइड बार ऑफ हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन हमारा ऑन है तो। तो इसको हम बंद रखते हैं। तो यह है स्मार्ट साइड बार का सेटिंग। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है स्प्लिट मोड, इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें देखिए बता रहा है स्प्लिट मोड हमारा ऑन है, तो तीन फिंगर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हमारे मोबाइल के स्क्रीन में एक नया ऑप्शन आ गया, मतलब एक स्क्रीन पर दो सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक सेटिंग ओपन किया दूसरा व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और हमारे इधर सेटिंग भी है। तो ये स्प्लिट मोड का कमाल है, तो तीन फिंगर नीचे से ऊपर खसकाएंगे तो ये ऑप्शन चालू हो जाएगा, फिर वही तीन फिंगर दोबारा हम खसकाते हैं तो हमारा वो ऑप्शन जो है बंद हो जाता है, फिर बैक हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस यही सेटिंग सब है कॉन्वेनेंस टूल में। तो हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें।